तो आज सुबह चेकआउट करते वक्त मेरा कार्ड नहीं चल रहा था, तो मुझे कैश देना पड़ा। ब्रेकफास्ट अपने पैक करवा के ले लिया था साथ में, और हमारे जॉन भैया वेट ही कर रहे थे। होटल को बाय बोल दिया, अंकिता ब्रेकफास्ट कर रही थी, वो भी अकेला अकेला, जो देख के मुझे गुस्सा आ गया। और हम जाने निकल चुके थे चितवन की तरफ। इसका हेल्दी ब्रेकफास्ट अभी भी चल रहा था, रास्ते छोटे थे, गाड़ियां बहुत ज्यादा थी, पर नजारे बहुत अमेजिंग थे। कुछ घंटों के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के लिए खड़ी रखी, फिर करंट के हॉट एंड स्पाइसी स्टिक्स खाए, जो कि हमारे फेवरेट हो चुके हैं। इंडिया में कहीं मिलते तो प्लीज कमेंट में बताना। फिर 360 कैमरे से मैं 360 के शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज्यादा तेज लग रही थी। बाहर नजर पड़ी तो बहुत सारे ऑरेंजेस मिल रहे थे, तो हमने खड़ी रखी, वहां से ऑरेंज जो कि काफी फ्रेश थे और वहीं पे फार्मिंग होती है। काम करते करते थोड़ी देर आग लग गई, उतनी देर में भरतपुर आ चुका था, जहाँ पे इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था और हमको यहीं पे रुकना था। हमने प्लान कैंसिल किया और सौराहा की तरफ चले गए, जो कि हमारी चितवन ट्रिप का सबसे सही डिसीजन था। हम पहुंच चुके थे सपना विलेज, जो कि यहाँ का रिसॉर्ट है। वहाँ पे लगेज निकालने से पहले हमने सोचा रूम देख लेते, और रूम्स काफी अमेजिंग थे और इसमें बाथटब भी था। लंच बाकी था तो हमने मंगाई दाल राइस और रोटी, जो भी काफी टेस्टी थी। ये बिल्लो रानी सनबाथ ले रही थी, तब तक मैं गया और मैंने लगेज निकलवाया और अंकिता अपने नखरे करने लगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और पिन कमेंट को चेक कर लेना फॉर लंबे वीडियोस।